अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साल 2024 के जनवरी महीने में रामलला अपने नए मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में मंदिर निर्माण से पहले रामलला के दर्शन के लिए जन्मभूमि पथ शुरू कर दिया गया है। आज से राम जन्मभूमि पथ खोल दिया गया है और श्रद्धालु जिस तरीके से आप देख सकते हैं लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज से इसी रास्ते से रामलला का दर्शन करने जाएंगे। जो श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं, हम इनसे जानते हैं कि कितनी खुशी। आज आप लोग नए रास्ते से जा रहे हैं प्रभु राम का दर्शन करने, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। राम ये मंदिर क्या बना रहे हैं उससे हमको बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि हमारा हिंदुत्व और जाग रहा है। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं और क्या कैसा लग रहा है? कर्नाटक से आए हम। बहुत अच्छा लग रहा है। रामलला का दर्शन करने पहली बार आ रहे हैं? सब पहली बार। मंदिर भी बन रहा है और आप दर्शन करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुश लग रहा है। क्या लग रहा है? बहुत खुश लग रहा है देखने को। अब रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के पैदल आने मार्ग को 500 मीटर कम कर दिया है। दरअसल 100 फीट चौड़ा श्री राम जन्मभूमि मार्ग भक्तों के लिए खुलने से श्रद्धालु अब जल्दी रामलाल का दर्शन कर सकेंगे। राम कचहरी के सामने से होता हुआ रंग महल के सामने से प्रवेश करके और दर्शन मार्ग पर आना पड़ता था। ये दूरी लगभग आधा किलोमीटर अधिक थी। अब दर्शनार्थियों को बिरला मंदिर के सामने से नई बनाई जाने वाली सड़क पर आना है और अमावा मंदिर के पीछे से होता हुआ दर्शन मार्ग के लिए प्रवेश करेंगे। पुराना परंपरागत मार्ग मंदिर निर्माण के कार्य में उपयोग होना शुरू हो जाएगा, अर्थात वो हटा दिया जाएगा। दर्शनार्थियों को आधा किलोमीटर दूरी पैदल चलने में कम हो गई और पुलिस के अवरोध भी घट गए। बता दें कि ये नई सड़क बिड़ला मंदिर के सामने बनी है। अब पुराने मार्ग को मंदिर निर्माण कार्य में प्रयोग किया जाएगा। नए मार्ग पर पुलिस का अवरोध कम होगा। इसके साथ ही भक्तों को राम जन्मभूमि पथ पर 600 मीटर ही चलना पड़ेगा। मंदिर ट्रस्ट की इस पहल से श्रद्धालुओं में काफी खुशी का माहौल है। रामलला के दर्शन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रभु राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है और उन्हें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये बेहद खुशी की बात है। कैमरा सहयोगी दृष्टांत के साथ संजीव आजाद, पंजाब केसरी टीवी, अयोध्या। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।